भाई एक कमेंट और आ रहा था कि शौकीन खान भाई का अपने, तो बोल रहे थे कि भाई मैं बयावर से हूँ, कौन सा ट्रक बनाऊँ जो अच्छा होता है भाई। अच्छा तो भाई गाड़ी चलाते चलाते बज गए एक, और आपका भाई कहाँ पहुँच गया भाई? मैं बगाई गाँव पहुँच गया, जस्ट श्री रामपुर यहाँ से रह रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, सबको जय श्री राम और पेरिस गुड मॉर्निंग। जस्ट टाइम 11 AM और आपका भाई उठ गया भाई। मैं रात को लेट नाइट सोया था, दो बजे तक मैंने क्या किया रात के भाई, BGMI खेला, क्योंकि भाई पता क्यों, क्योंकि भाई रात को ना खतरा रहता है भाई, इतनी सारी गाड़ी तो खड़ी है, पर हमारे हाथ में ही अपनी सेफ्टी, और डीजल हमारा हो गया था फुल टैंक पड़ा था, तो इस करके हमने सोचा कि भाई अपनी गाड़ी को रात के 2 बजे तक जागना चाहिए, और जाग के फिर वैसे कच्ची नींद में सोया, फिर सुबह उठ गया मैं 8-9 बजे, उठा चाय पानी पी, फिर अपना मुँह हाथ धोया और फिर आ गया, कपड़े लेके, कपड़े करे तय, अपने कपड़े कर लिए हमने तय, और अभी से डाल लेंगे बैग में। तो भाई ये सिस्टम रहा भाई, रात को जागना तो चाहिए था भाई, क्योंकि भाई डीजल की बात है, अब तो सो जाएंगे, शाम को मिलेंगे कागज, फिर निकल जाएंगे, अपना भूटान का सफर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा लंबा सफर नहीं है, 400 किलोमीटर का सफर है, और भाड़ा हमारी गाड़ी क्या लगी, 130 रुपये का रेट लगा। और भाई बहुत सारे ना कमेंट्स भी आ रहे थे भाई, शुभांकर भाई का आ रहा था कि भाई वो हिट एंड रन का कानून का क्या हुआ, 10 साल वाला कानून। भाई देखो अभी उसका कुछ मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई क्या स्थिति रही है भाई वो कानून की, आखिरकार मतलब क्या चाहते हैं भाई गवर्नमेंट। देखो भाई पहले भी बात हुई थी कि भाई देखो कोई भी ड्राइवर यार, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ मजाक सेट के, देखो मैं गाड़ी छोड़ी नहीं थी उस वक्त अपनी, हमने गाड़ी छोड़ी नहीं थी भाई जब हमारा ये कानून लागू हुआ था, पर अगर ये कानून परमानेंट लगता तो भाई हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, हम नहीं चलाएंगे भैया, हमारे को नहीं चलानी फिर गाड़ी, भाई कहाँ चलाएंगे, 7 लाख रुपये का अगर औसत होता तो भाई मैं कार ले लेता डिजायर, और अपने उधर पहाड़ों पे चलाता, और भाई मैं कार लेने वाला हूँ भाई, मेरे को सपोर्ट करो यार ज्यादा से ज्यादा। और भाई काला कानून की बात रही भाई, देखो हम नहीं चलाएंगे, वैसे भी मैं ट्रक का काम थोड़ा सोच दिया भैया कि अपना बिजनेस करना है, ट्रक नहीं ले सकते तो एक कार तो जरूर लेके अपनी उधर गाड़ी चलाएंगे पहाड़ों पे, अपनी मेहनत करेंगे, खुद की मेहनत करेंगे, तो भाई मैंने ये सोचा है, तो अब हम लेंगे न्यू कार, ठीक है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, छोटा तो कर सकते हैं, तो छोटा करके चलेंगे, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आप मेरे को बताना कि भाई आपको टैक्सी लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई आपकी राय लेनी जरूरी है, बाकी आप हेल्प करना चाहते हो तो बहुत मुझे खुशी होगी, हेल्प मतलब दोस्त, देखो यार हम ना उस चीज़ को नहीं मानते कि यार सब्सक्राइबर है ये सब चीज़ नहीं है, देखो आप मेरी फैमिली हो ठीक है, बट और ये मिठी गोली भी होता है ना, एक मिठी गोली देना वो सब अपने बस की बात नहीं। चलो मैं गाड़ी दिखाता हूँ बाहर से आपको एक बार कि कैसे कैसे सीन आने वाला है अपना, और भी कमेंट्स है वो भी पढ़ के बताऊंगा अभी। और भाई ये देखो गाड़ी तो अपनी लोड है, धूल भी दी थी यार हमने गाड़ी कल को, भाई चेक करो गाड़ी हमने धूल दी थी भाई अपनी बढ़िया करके, और यहाँ लगा रखी थी भाई, देखो टंकी का ढक्कन भी नहीं है, ढक्कन भी लेंगे कहीं से, कहीं हंसी मारा उसी मारा से पकड़ लेंगे, और चाय पत्ती भी लेंगे इस बार, चाय पत्ती के जिसको भी भाई को चाय पत्ती चाहिए होगी मेरे को बता देना। लेट नाइट फोन आया यार मेरे को पार्टी वाले का, वो बोला भैया देखो अभी कागज मिलेंगे नहीं आपको, कल शाम को मिलेंगे कागज, और आप निकल जाना गाड़ी लेके, और उसके बाद भैया अपनी गाड़ी खाली कर लेना, बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं, देखो कितनी सारी गाड़ी खड़ी हैं, तो आज ही साथ में निकलेंगे 6-7 गाड़ियाँ जो भी गाड़ियाँ हैं अपनी ग्रुप की, सारी गाड़ियाँ साथ में निकलेंगी। और भाई लेट नाइट फोन किया था ना उसने हमें, तो ये सीन रहा। बाकी और कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले कमेंट्स हैं, तो आओ चलते हैं बताता हूँ क्या क्या कमेंट्स आ रहे थे। तो आज तो लेट नाइट ब्लॉग भी होने वाला है, नाइट ब्लॉग लिया है पानी की बोतल, गाड़ी चला लेगा आज, चल वो रुपये लिया हम, चल कहाँ बाजार है आज, ये तो लिया तू चुकी ना, चल लो, मैं क्यों चलूंगा, चल बरौनी तो कह दे मैं नहीं करो, साथ में चला जाएगा, मैं क्यों जाऊंगा साथ में, आगे से निकाल लेंगे पैसे, यही जरूरत थोड़ी ना, आगे भी ATM बहुत मिलेंगे। कितने चाय पत्ती के पैसे दे दिए उन्होंने, सारे निकाल लियो पैसे चाय पत्ती लेने के लिए भी। और भाई कमेंट्स आ रहे थे, और भाई एक कमेंट और आ रहा था कि शौकीन खान भाई का अपने, तो बोल रहे थे कि भाई मैं बयावर से हूँ, कौन सा ट्रक बनाऊँ जो अच्छा होता है भाई। अच्छा तो भाई ट्राला मेरे हिसाब से जो नया अब स्टार्टअप कर रहा है, अपना नया जो काम स्टार्ट कर रहा है, सिंगल चीज गाड़ी में मत जाओ, जो मेरी तो यही सुझाव रहेगा, जो नया नया स्टार्टअप मार रहा है ट्रक के बारे में बहुत नॉलेज रखता है और वो स्टार्टअप मारना चाहता है इस गाड़ी की, तो सिंगल चेंचिस में मत जाओ, 16 टायर 12 टायर सीधा आप 18 टायर बनाओ, बस ठीक ठाक कमाल हो गया। और भाई मैं हिसाब बना रहा था, देख लो भैया हिसाब बना रहा था, ऐसे ही बना रहा था मतलब थोड़ा टाइम पास, बंगाल अररिया पुलिस 200-1300 रुपये बंगाल एंट्री ये सब बना रहा कोई सा। और अब भी भाई यहाँ से निकलेंगे शाम को, कागज वागज मिलेंगे, और फिर आपका भाई रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा, और चल भाई गंगा,
रेडी हो जाएगा, मतलब अपने काम होना जरूरी है भैया। और भी एक कमेंट और आ रहा था, बहुत सही कमेंट था वो भी भाई का, वो बोल रहे थे कि भाई रोहित ने 5 किलो मटन खाया, उस पे चर्चा होनी चाहिए। तो हाँ भाई चर्चा करेंगे, पर मैंने वो व्लॉग नहीं देखा, वो 5 किलो वाला। अगर मैं एक बार व्लॉग देखूंगा, चेक करूंगा भाई का, और फिर जरूर चर्चा करूंगा कि आखिरकार रोहित ने 5 किलो मटन क्यों खाया, उसके अंदर इसी पावर कहाँ से आई कि वो 5 किलो बकरा ही फेल गया, गलत किया। तो भाई अब शाम को निकलेंगे, शाम को निकलते हुए मिलता हूँ मैं आपको। शाम को क्या, रात ही कर देंगे भैया, हमें पता भी है, रात को ही देंगे कागज, उसके बाद निकलेंगे भैया। बहुत लफड़ा है देश में, और फिर जब हम भूटान में गाड़ी खाली कर देंगे तो फिर क्या भरेंगे बीरपड़ा से, आपके दिमाग में चल रहा होगा, बताऊंगा वहीं जाके बताऊंगा। बीरपड़ा का जो व्यू देखने वाला है वो कमेंट कर देना। और भाई ओके शाम, सबको प्यारे से गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। भाई ये देख लो भाई, अभी सो के जस्ट उठा हूं, लड़का गया चाय लेने, और ये देख लो भाई अभी तक कागज नहीं मिले यार, मेरे को लगा कागज मिल जाएंगे, अभी तक कागज नहीं मिले भाई। बहुत सारे ट्रक लोड हो गए, कम से कम 14-15 ट्रक लोड है। कह रहा कि आज आपके कागज मिल जाएंगे, पार्टी वाले से मेरी बात हुई, कह रहा कि आज आपके कागज मिल जाएंगे, बाकी इनको जो आज गाड़ी लोड हुई उनको कल मिलेंगे। देख रहे हो भाई सीन भाई, जब आप बाहर आते हो ना तो यही सीन रहता है भैया, लोडिंग वोडिंग। बस एक बार यहाँ से निकल जाए, उसके बाद फिर दुर्गापुर पहुंच जाए, फिर डायरेक्ट राजस्थान का माल बल्टे। यार ये राजस्थान में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए माल देखो, जब पहले कोयला चलता था ना गुवाहाटी से, बहुत सही रहता था। हम पता क्या करते थे, मुजफ्फरनगर से लोड करते थे और गाड़ी सीधा गुवाहाटी, और गुवाहाटी से सीधा कोयला भर के हरियाणा। और ऐसा भी एक सीन, एक और एक टाइप से और लोड करते थे, जैसे हमने चावल लोड कर लिए करनाल से, वो सीधा गई सिल्लीगुड़ी, और गाड़ी ना सिल्लीगुड़ी से खाली जाती थी गुवाहाटी। कोई कोई स्लीपर लोड कर लेता था, स्लीपर समझते हो, स्लीपर वो होता है रेल की पटड़ी, वो होते स्लीपर। तो ऐसा सिस्टम था। अभी देखते हैं कितने टाइम में कागज वागज आते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई बहुत भयंकर नींद आई आज भी, रात को मैं सोया ही कम ना 4 घंटे, और फिर उसके बाद अब सो गया, 3 बजे सोया था मैं, काम धंधा करके 3 बजे सोया, फिर अब उठ गया। देखते हैं यार, वेट करते हैं कितना टाइम लगेगा। हो गई है भाई रात, और आपके भाई को पेपर मिल गए, और आपको भाई निकल गया भैया गाड़ी लेके, ऊंट गड्डी जा रही है, छलंगा मारती हुई। देख लो अभी मेरे से यहाँ से श्रीरामपुर बॉर्डर है भैया 102 किलोमीटर, जस्ट आपके रुक के खाना खुना खाएंगे भाई, कुछ खाया नहीं भाई। लेट नाइट में कागज दिया, टाइम पता कितना हो रहा, 11 से ऊपर टाइम हो गया, लेट नाइट कागज दिया भाई बहुत ज्यादा। बॉर्डर पे जाके आराम आराम करेंगे, बाकी अभी तो कहीं रोटी पानी खाने का प्लान है। देखो भाई आज नाइट ड्राइविंग चल रही, कल की गाड़ी लोड हुई भी, आज रात को कागज मिल ले। गाड़ी चलाते बज गए एक, और आपका भाई कहाँ पहुंच गया भाई, मैं पगाई गांव पहुंच गया, जस्ट श्रीरामपुर यहाँ से रह रहा है, ऐसी 75 किलोमीटर रह रहा है लगभग। और भाई खाना खाने का प्लान था, पर कोई ढाबा ही नहीं मिला, देखो बिल्कुल सुनसान रोड पड़ी। चेटी का बच्चा ना है रोड में, कहीं चाय पीते हैं उसके बाद कहीं खाना खाते हैं, जहाँ पे सोएंगे वहीं खाना खा लेंगे यार। यही हमारी थोड़ी सी लाइफ, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ है। और गाड़ी चलाएगा लोंड है, देख लो टूल ला भाई, नींद आ रही है, गाड़ी चला लेगा ये तो चला लेंगे रियो के लिए क्या चले, ज्यादा सफर ना आया। हाँ वो तो पता है मुझे, सफर तो हमारा बहुत थोड़ा ही है। आगे चाय पिएगा या रोटी खाएगा ये बता, पहले चाय पिएगा है जब गुवाहाटी जाना हो ना आपको, जब वहां से वापिस जाओगे गुवाहाटी के लिए, तो भैया आप कूदते कूदते जाओगे, अब जाओगे बिल्कुल प्लेन। अब देखो एकदम वो तारकोल वाली रोड है, और बहुत सीमेंटेड रोड है, तारकोल वाली रोड बेटर देन सीमेंट वाली रोड से, या बनाने के ऊपर बात है। है बलोंड तो भाई का रुका है, चाय शुरू पिए हैं, चाय पीने के बाद आगे जाके थोड़ी दूर रह रहा, 40 किलोमीटर का और सफर रह रहा, टायर चेक कर रहे थे क्योंकि 110 किलोमीटर गाड़ी चल गई, बीच में भी चेक किए थे, पर एक बार और कर लेते हैं, रोडी राडी निकालते हैं गाड़ी की। और ये देखो सिस्टम देख रहे हो, ये ताला देख रहे हो, GPS वाला ताला है भाई, ये 50 से 55 हज़ार का ताला है। तो भाई चाय पीते हैं, चलो अच्छा हो।
फसाना भाई अपने टायर चेक कर ले। तो भाई ढाबे पे विजिट करने वाला आपका भाई, और भाई हमने अभी टायर चेक करे थे यार, टायर और हब बहुत गर्म हो रहे यार, मतलब समझ रहे हो चक्के ग्रीस मांग रही यार गाड़ी। बात करेंगे और अभी साइड में लगाएंगे और फिर खाएंगे रोटी, और टाइम पता कितना होगा 2:30 बजे, भूख लग रही यार बड़ी दबा के। 152 किलोमीटर आ गए भैया, और भाई विजिट करके आऊंगा भाई ढाबे पे। देखो भाई कितने सारे ट्रेलर खड़े हैं, अपना ढाबा है भैया, बबलू ढाबा बोलते हैं मेरा पंजाबी ढाबा है। और भाई अब रोटी राटी खाने का कोई प्लान नहीं, अब नहीं खाऊंगा मैं रोटी, अब मैं जा रहा सोने, वो भी नहीं खाने का लोंडा भी, वो भी मना कर रहा हूँ, पहले उसने कहा कि मैं नहीं खाने का। 3 बज गया यार, बताओ रोटी खाने का टाइम रह गया। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, बाकी कल को मिलते हैं, कल को देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबको जय श्री राम और पहले से गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, खोज लो मोल लो, नहीं मिले तो खोज लो, बाय बाय।